पर टर्मिनल एक का उद्घाटन आज होना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद रेनोवेशन का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम दोपहर 2:30 पर टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट कार्यक्रम के लिए उदयपुर जाएंगे मुख्यमंत्री। पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो फिलहाल आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि रेनोवेशन करवाया गया था टर्मिनल 1 का, अब वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। ऐसे में दीपावली से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जयपुर का वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। हेरिटेज लुक जो है इस एयरपोर्ट का दिया गया है। हम उसकी एक झलक भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस टर्मिनल 1 को तैयार किया गया है। और आज जो है पहली फ्लाइट यहाँ पर उतरने वाली है और ऐसे में उनका स्वागत भी बड़े जोर शोरों के साथ किया जाएगा। अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी हैं और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी हैं वो सभी टर्मिनल 2 से उड़ती थी और वहीं पर ले ऑफ रहता था, लेकिन अब जो है टर्मिनल 1 से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का संचालन किया जाएगा जिससे आसानी होगी पर्यटकों को भी जयपुर आने में। तो दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भी शिरकत करेंगे। 2:30 टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे तो पर्यटकों का अब आने जाने का सिलसिला टर्मिनल 1 से भी शुरू हो पाएगा। दिवाली से पहले जयपुर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। लंबे इंतजार के बाद जयपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही। 27 अक्टूबर से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 आखिरकार शुरू हो रहा है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे जो 27 तारीख से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ऑपरेशनल होगा। मौजूदा वक्त में काम आ रहा टर्मिनल 2 फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को कैटर कर रहा है, लेकिन अब व्यवस्था बदल जाएगी और 27 तारीख से टर्मिनल 2 से सिर्फ घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए काम में लिया जाएगा। टर्मिनल 1 को कई सालों बाद एक नए हेरिटेज लुक के साथ खोला जा रहा है। 15 लाख यात्री सालाना की क्षमता वाले इस टर्मिनल को लेकर तैयारियां जोरों पर है। टर्मिनल 1 की सुरक्षा में लगभग 100 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे जिनमें CISF और हवाई अड्डे की सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसके डिपार्चर एरिया में लगभग 10 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, वहीं अराइवल एरिया में 14 काउंटर स्थापित किए गए हैं। टर्मिनल 1 भवन में 10 चेक-इन काउंटर होंगे। ड्यूटी फ्री आउटलेट्स के अलावा F&B आउटलेट भी टर्मिनल 1 से काम करना शुरू कर देंगे। बाकी सुविधाओं में मेडिकल रूम, 24 घंटे की एम्बुलेंस सुविधा और लाउंज भी शुरू हो जाएगा। जयपुर में टर्मिनल 1 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां डमी ट्रायल भी करके देख लिया गया है। दरअसल राजस्थान में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को बड़ी सुविधा मिली है। घरेलू उड़ानों में अयोध्या सहित दिल्ली, मुंबई आदि के लिए सहूलियत बढ़ गई है, तो वहीं अब इंटरनेशनल अबुधाबी कुआलालंपुर से सीधे जुड़ने से पर्यटक भी आएंगे। 27 अक्टूबर को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरने वाली पहली फ्लाइट अबुधाबी से एतिहाद एयरवेज की होगी जो सुबह 2:10 पर लैंड करेगी। इसमें पहुंचने वाले सभी यात्रियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। टर्मिनल 1 के शुरू होते ही जयपुर में विंटर शेड्यूल लागू होगा जिसके तहत प्रतिदिन 70 उड़ानों का मूवमेंट दोनों टर्मिनल पर संचालित होगा जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बनेगा। जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच एक और बड़ी खबर